हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट ज्योमेट्री सम फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस व्हेन इट्स टू डायगनल्स आर गिवन। ओके, सो अब ये डायगनल का हमारा रोम्बस का हमारा थर्ड सम है। इसके पहले के टू सम्स जो थे, इसमें आपको साइड दिया था, एक में आपको एंगल दिया था। अभी यहाँ पे क्या दिया है, इट इज गिवन टू डायगनल्स, वन इज 9 सेंटीमीटर एंड वन इज 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ड्रॉ इट इन द सेंटर ऑफ द पेज। वन डायगोनल इज 9 सेंटीमीटर। जीरो टू 9 जॉइन दिस, गिव द नेम AC, you can write here AC is equal to 9 centimeter. Now divide this line, bisect it. So for that take more than half distance in compass and draw the arcs from A and C respectively. Join these points, you will get point O. यहाँ पे आप O नाम दे सकते हो। Now, the second diagonal is given 7.5 centimeter. Now, from सेवन पॉइंट फाइव यू कैन टेक अ डिस्टेंस इन कंपास 7.5, ओके, जीरो टू 7.5, टेक द एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड फ्रॉम ओ पॉइंट टेक अ डिस्टेंस 7.5, मार्क हियर एंड यू कैन गिव नेम हियर एम। So OM is equal to 7.5 centimeter. So ऐसे दो diagonal हमें दिए हैं, एक है 7.5 and one is 9 centimeter. Now we'll divide this one, we'll bisect OM. अभी OM को हमें bisect करना है, sorry. जिस तरह से हमने AC को bisect किया था, उसी तरह से हमें OM को bisect करना है. So I will take more than half distance in OM. And I will draw the arcs on both the sides of OM. अभी ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला लाइन, ये हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। O पॉइंट से और M पॉइंट से हमने मार्क किए हैं एंड नाउ वी विल जॉइन दिस। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला है, आई विल गिव द नेम डी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरमेंट ओ एंड डी, ये वाला मेजरमेंट लेके मैं डाउन साइड यहाँ पे मार्क कर दूंगी। सो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यू कैन राइट हियर ए बी, ए बी सी डी। सो यू कैन राइट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मतलब ओ बी एंड ओ डी इसका साइज सेम है। एंड जॉइन दिस, ये फोर पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बिकॉज इट्स अ रोम्बस। You can write down here square ABCD is a required rhombus, that is. Thank you.